हम लोगों ने अध्ययन किया था पाठ्यक्रम सुधार के लिए जो मुदालियर आयोग के द्वारा जो बताया गया था उसके बारे में, आज हम लोग जानेंगे कोठारी कमीशन के द्वारा जो करिकुलम है उसके सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए थे। तो मुदालियर आयोग आपने पढ़ लिया है, आज हम लोग कोठारी आयोग पे बढ़ते हैं कि कोठारी कमीशन ने करिकुलम के सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोठारी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा की भांति ही प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दृष्टि में रखते हुए लोअर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। मतलब जो करिकुलम चल रहा था उसी करिकुलम के बारे में उन्होंने बताया कि किस में किस लेवल में किस तरह के सब्जेक्ट को शामिल करके हम करिकुलम के दोष को दूर कर सकते हैं कोठारी कमीशन के द्वारा। तो कोठारी कमीशन ने सबसे पहले लोअर प्राइमरी लेवल पर जो बात की थी कि करिकुलम में किस किस चीज़ों का होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, तो लोअर प्राइमरी लेवल में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले लैंग्वेज होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, और भाषा के साथ साथ गणित, कार्य अनुभव, सृजनात्मक क्रियाएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, कार्य अनुभव मतलब ऐसे कार्य करना जिससे बच्चा कुछ सीख सके, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाए क्योंकि छोटे बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत उनको सामाजिक सेवा का मतलब हो गया है कि वो दूसरों का रिस्पेक्ट करना जाने या मतलब रिलेटेड कर सकते हैं मोरल एजुकेशन से। तो लोअर प्राइमरी लेवल में 1 से 4 तक के ये करिकुलम में होना चाहिए रिगार्डिंग टू कोठारी कमीशन। उसके बाद हम जानते हैं हायर प्राइमरी लेवल पर जो 5वीं से 7वीं क्लास तक के करिकुलम जो होता है कैसा होना चाहिए। तो इस समय उन्होंने बात की थी कि जो हायर प्राइमरी लेवल है तो आयोग ने सुझाव दिया था कि हायर प्राइमरी अर्थात 5वीं से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, 2 भाषाएं, विज्ञान, गणित, समाज सेवा, सोशल साइंस, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन को शामिल किया जाए। उसके बाद लोअर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि लोअर सेकेंडरी अर्थात 8वीं से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, सिविक्स जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, समाज सेवा, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि लोअर सेकेंडरी लेवल तक आते आते बच्चे में पूरी समझ हो जाती है, इसीलिए 3 भाषा देने की बात की थी। और साथ ही साथ साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, समाज सेवा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन भी देना ज़रूरी है, मोरल एजुकेशन और आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित शिक्षा भी बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो होता है हायर सेकेंडरी लेवल की। तो हायर सेकेंडरी लेवल पर जो कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था उसके अकॉर्डिंग बताया था कि किस कोई भी 2 भाषा जिनमें से कोई भी वर्तमान भारतीय भाषा सम्मिलित हो तथा कोई सी भी वर्तमान विदेशी भाषा चुनी जाए, मतलब कि 2 भाषा जो चुनी जानी है उसमें आप भारतीय भाषा भी चुन सकते हो और कोई विदेशी भाषा का भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा निम्नलिखित में से 3 विषय को उन्होंने चुनने की बात की थी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल तर्कशास्त्र, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, उनमें से 3 विषय को उन्होंने चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की थी कि 3 विषय आप सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा कार्य अनुभव तथा समाज सेवा जरूरी था, वर्क एक्सपीरियंस में जैसे लड़कियों को सिलाई का काम सिखाया जाता था, वर्क एक्सपीरियंस लड़कों को वुडन वर्क सिखाया जाता था, तो इस तरह से कार्य अनुभव कहीं ना कहीं हमारा बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड है जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और सोशल सर्विस की इन्होंने बात की थी, आजकल जो NSS के रूप में आप करते हो उसी को सोशल सर्विस की इन्होंने बात की थी कि सोशल सर्विस से रिलेटेड एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। शारीरिक सेवा, फिजिकल एजुकेशन की भी इन्होंने बात की थी। फिजिकल एजुकेशन हम देख रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक चल रहा है, फिजिकल एजुकेशन पर कोठारी कमीशन ने काफ़ी जोर दिया था। आर्ट एंड ड्राइंग की भी बात इन्होंने की थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य तो सबसे ज़रूरी है तो इसकी भी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग जो होता है इस तरह के
करिकुलम में इस तरह के सब्जेक्ट को करने की बात थी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रचलित पाठ्यक्रम को दोषों को दूर करने के लिए दोनों शिक्षा आयोग, जो इसके पहले हमने पढ़ा था मुदालियर आयोग जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन से अच्छा जो है मुदालियर कमीशन है, क्योंकि मुदालियर कमीशन में शिक्षा आयोग जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा बात करते हैं। तो इसीलिए अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही बेटर पाते हैं। इसी के साथ आज ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।